नमस्कार, मैं हूँ रचना और आप देख रहे हैं वाइस न्यूज 18। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। मदरसों की जांच पर चेयरमैन मदरसा बोर्ड डॉक्टर इफ्तिकार अहमद जावेद का बयान। मदरसों की जांच से न घबराए आधुनिक शिक्षक डॉक्टर इफ्तिकार अहमद जावेद। मदरसा जांच आधुनिक शिक्षकों के भले के लिए। डॉक्टर इफ्तिकार अहमद जावेद ने कहा कि बहुत सारे मदरसे आधुनिक शिक्षकों के वेतन के चक्कर में मदरसा नियमावली का कर रहे उल्लंघन। मदरसों का संचालन सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम अल्पसंख्यक संस्था ही कर सकती है, जबकि हकीकत कुछ और है। कागज पर कुछ और, हकीकत में कुछ और नजर आ रहे मदरसे चेयरमैन मदरसा बोर्ड। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के कामकाज व कार्यों में पारदर्शिता लाना मेरा मकसद है। प्रदेश के मदरसों के प्रबंधकों व शिक्षकों के साथ साथ अन्य सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग भी अपने अपने जिलों में हो रही जांच में करें पूर्ण सहयोग। डॉक्टर जावेद ने कहा, मेरा मकसद मदरसों में पढ़ने वाले 20 लाख बच्चों के भविष्य के साथ मजाक ना हो। मदरसा आधुनिकरण योजना के अंतर्गत 7,442 मदरसों की जांच का काम चल रहा है। जिलाधिकारी के जरिए ये जांच हो रही है। मैं मदरसे से जुड़े हुए सभी प्रबंधकों, शिक्षकों और आधुनिक शिक्षकों से अपील करता हूं, साथ ही सामाजिक संगठन के लोगों से अपील करता हूं, जांच में सहयोग करें। मैं चाहता हूं कि मदरसे जो चल रहे उत्तर प्रदेश के अंदर, उसकी पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल क्लियर रहे, किसी को भी उंगली उठाने का हक न रहे। मेरा यही मकसद है कि मदरसे में पढ़ने वाले 20 लाख बच्चों के साथ न्याय हो, किसी भी किस्म के सरकारी पैसों का बंदरबांट न हो। जिस तरह शिकायतें आई थी कि बहुत सारे मदरसे कागज़ों पर चल रहे हैं, बहुत सारे मदरसे ऐसे हैं जो मदरसा नियमावली के विपरीत काम कर रहे हैं। मदरसे खोलने का हक सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज को है, जबकि सुनने में आया है, शिकायतें मिली हैं कि बहुत सारे अन्य लोग भी मदरसों को संचालित कर रहे हैं। इसलिए ये जाँच जरूरी हो गया था। मैं आधुनिक शिक्षकों से विशेष रूप से अपील करता हूँ कि वो जाँच में सहयोग करें। यह जाँच उनके भले के लिए हो रही है और जो भी सहयोग हो सकता है, जिलाधिकारी से लेकर के, जो भी SDM से लेकर के, जो भी लोग इस जांच के लगे हुए, उनका सहयोग करके जांच को कामयाब बनावे, ताकि किसी को भी मदरसे पे उंगली उठाने का हक न रहे।